वो तो बेकार रोड थी। हाँ, 8-10 किलोमीटर का। अच्छा, नहीं रहो तो धारमो पूछ गो। चलो फिर बाजू नीरज ऊपर पहुंच गया। हाँ चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस गणेश एंड यू आर वाचिंग हाईवे मोटर राइडर। एंड अभी मैं अपने गांव के घर से निकल गया हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है घर से निकलने के लिए, पर क्या करें, अभी छुट्टी भी इतनी है और निकलना पड़ेगा अभी। अब टाइम बहुत कम था, अभी आज का ट्रिप होगा हमारा धपोली से हल्द्वानी। ट्रिप मैंने ज़ीरो कर दिया था घर से निकलते ही, और फ्यूल अभी हाफ फुल से काफ़ी, हाँ थोड़ा सा नीचे है, बस चलेगा, फ्यूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदानी पहुंच के इसकी सर्विसिंग भी करा लूँगा, क्योंकि अभी 500 किलोमीटर हो जाएगा। हमारा घर नीचे उसे दिख रहा है। अभी हम पहुंच गए धपोली। ये आए हम हनुमान मंदिर धपोली वाला, अभी दर्शन करके बस निकलेंगे यहाँ से। तो बचपन में हम ही रहते थे, कभी कभी आते थे यहाँ घूमने के लिए। ये देखो यहाँ से अब आगे निकल देंगे। सो हैप्पी बसंत पंचमी टू एवरीवन। और अभी मैं पहुँच रहा हूँ बागेश्वर, बस थोड़ा ही डिस्टेंस रह गई है यहाँ से। बागेश्वर दिखने लग गया ऑलरेडी, बागेश्वर की मार्केट पूरी दिख रही है। ठंडा भी काफ़ी हो रहा है, पैरों में तो लग रहा है, बट ठंडा हाथों में भी थोड़ा लग रहा है। इट्स ओके, थोड़ा आगे जाके थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी 10 बजने वाला, 10 बज गए, यस 10 बज गए, 10:30 हो गया टाइम। बाकी सर भी हम पहुँच गए हैं, नहीं पेट्रोल पम्प आ गया, क्या दूरी है बाकी सर से। राइट साइड में दिख रहा थोड़ा थोड़ा, पेड़ों से छुपा है पूरा बागेश्वर देखा। ये देखो बागेश्वर यहाँ से दिख रहा था।
नीचे उतरते हैं पहले, फिर उसके बाद बागेश्वर पहुँच के आपको थोड़ा दिखाऊंगा अगर कुछ दिखाने लायक हुआ तो। दिखाने लायक तो बहुत कुछ है, पर फिर यू नो हम रोड से जाएंगे तो इतना कुछ दिखाने लायक है। इसके मार्किंग लग गया ऊपर कितने किलोमीटर में कौन सी जगह है। काफ़ी बड़ा बन गया बागेश्वर भी, बहुत चीज़ें बन गई इधर की। सब यहीं पर ही हैं, थोड़ा थोड़ा जो भी हैं। अभी भी पहुंच गए हम बागेश्वर का पुल निकल के, और ये बीच पीछे सरयू नदी थी एंड मार्केट से निकल गए हैं, नीरज आगे से जा रहे हैं। और ये मैंने मोबाइल माउंट करके रखा है पूरा मैप के साथ। सो वैसे ये भी टाइम हो गया है 11 एंड मार्केट में भीड़ आज का सारी सब चीज़ें बंद हैं क्योंकि आज बसंत पंचमी है। और सो थोड़ी थोड़ी चीज़ें काफ़ी खुली हैं इधर पे। ये पुराना फ्यूल स्टेशन है यहाँ पर, ये राइट में इधर पे फ्यूल स्टेशन था। ये देखो अभी गाड़ियाँ लगी हैं फ्यूलिंग के लिए एंड या और ये मार्केट देखो है पूरी बागेश्वर की मार्केट, ये नीचे की ही थोड़े एक इधर पर सब सामान मिलता है। काफ़ी हलचल है मार्केट में, देखो सब भरा पड़ा है। So you get almost everything here. तो बागेश्वर की मार्केट से निकलते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ आगे कौन सी रोड से निकलना है हमको। हम अवॉइड कर रहे हैं पिछले वाली रोड से जहाँ से हम आए थे, तो ट्राई करते हैं कि दूसरी रोड जो अल्मोड़ा को कनेक्ट करती है उस हिसाब से जाएँ हम दूसरी अच्छी जगह से। पिछले वाली रोड में बहुत गड्ढे थे एंड वी वॉन्ट टू अवॉइड दैट रोड। और इसमें भीड़ काफ़ी है और ट्रैफिक लग गया पूरा, देखो गाड़ियाँ। तो काफ़ी ट्रैफिक लगा आज। ऐसा है तो बसंत पंचमी की वजह से और ट्रैफिक और इधर पे गाड़ियों की सर्विसिंग और बॉडी आई थिंक दे आर डूइंग दिस। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, इसकी वजह से ट्रैफिक हुआ है। देखो शायद उस गाड़ी के साथ टक्कर हुई एंड दिस व्हाट हैपेंड। इतनी स्पीड में कौन आया होगा गाड़ी लेके, और मे बी ये वर्कशॉप है। तो हम जा रहे हैं कौसानी होते हुए 40 किलोमीटर कौसानी और मोड़ा 89 किलोमीटर। अच्छी जगह से आज जा रहे हैं, मस्त है। कौसानी भी हिल स्टेशन काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन है, बहुत फेमस है। और नीचे नदी देखो पीछे,
और हम सीधे आगे निकल रहे हैं अपना। पिंडारी ग्लेशियर अच्छे यहाँ से पड़ता है, मेरे को इतना पता नहीं था। तो अभी मैंने कितना किलोमीटर कवर कर लिया, 27.27 किलोमीटर कवर कर लिया सो फार। और ये फ्यूल स्टेशन काफ़ी है भैया, तो हर जगह फ्यूल स्टेशन है, मेरे को ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं फ्यूल की। विल जस्ट कंटिन्यू अवर ट्रिप। और नीरज यहाँ पर बैठा है, देखो अभी बीच में रुक गए हम, थोड़ा अल्मोड़ा से आगे निकले हैं ना, बाकी सब थोड़ा आगे हैं। और गरिमा को हो गया मोशन सिकनेस, अभी नीरज शायद मे भी बाइक पकड़ेगा यहाँ से, फिर उसके बाद आगे आएगा। और गरिमा उल्टी करने लग गया, देखा ये तीन बार उल्टी कर दी उसने। बंद कर दे गाड़ी, तो मेरे को शायद अब गाड़ी चलानी पड़ेगी। और यहाँ से मोटो ब्लॉगिंग बंद, वैसे नॉर्मल ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। अब फिर देखो यहाँ से नदी भी है अच्छी सी है, एक बार इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं। ये देखो वाह ज़बरदस्त, मज़ा आ गया यहाँ तो। ये देखो ये पूरी रिवर निकल रही है यहाँ से और इधर निकल रही है आगे, और बीच में हमने गाड़ी लगा दी है, क्या हो गया थोड़ा ब्लॉक कर दिया ट्रैफिक हमने। चलो निकलते हैं आगे। हैं ऋत्वी ऐसे करके, अरे तेरा चप्पल निकल गया, चप्पल पहन, दौड़ रोड ना, रोड में मत दौड़ना। गाड़ी आ रही, गाड़ी आ रही है। अभी 12 बज गए हैं और हम गरुड़ पहुंच गए हैं देखो। और यहाँ पर एक अच्छी सी पहाड़ी भोजनालय है, यहाँ पर शांति कुंज होम स्टे भी है इधर पे, और बड़ी अच्छी जगह पे, यहाँ पर शांति जगह, पार्किंग भी है, इजीली पार्क कर सकते हो गाड़ी, सब चीज़ मिलता है यहाँ पर, काफ़ी सारा सामान रखा है यहाँ पर, सब सामान मिल जाएगा मोस्ट ऑफ, चाय आए भी नहीं आपको, अच्छा बनाया काफ़ी। चाय पीते हैं, मेरा मॉन्स्टर ले लेंगे वहाँ, रख दिया मैंने वापस रखता हूँ। मज़ा आ रहा है बाइक में, सर्विस ब्लिंक करने लग गई है। कहाँ करिए ABS है वो तो, ये अच्छा हल्दानी, हल्दानी जाके 500 किलोमीटर होती है ऐसी सब्जी। ये मंदिर में रुके हैं मैं भी, हम बस अब निकलते हैं यहाँ से। ये मंदिर की बहुत मान्यता है यहाँ पर, पहले यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, यहाँ से नीचे गाड़ियाँ गिर जाती थी ज़्यादातर, तो फिर ये मंदिर बना यहाँ पर, जब से मंदिर बना तब से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये देखो ये बहुत पुराना मंदिर है, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, मैं 30 साल से देख रहा हूँ ये मंदिर को, 30-35 साल से, 30 साल से तो मैंने देखा है, 30 साल से ऊपर। तो निकलते हैं अब, आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। इनको भी टिक्का लगेगा, बट टिक्का नहीं लगता ना इधर मंदिर है, मंदिर में अपना लंच कर लिया यहाँ पर, राजमा रोटी खाई है, और यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम हल्द्वानी के लिए। चलें नहीं, कहा है
अभी हम अल्मोड़ा पहुंच गए, तीन बज रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली बाइक का पहला पंक्चर और फ्रंट वाला टायर पंक्चर हो गया। अच्छा हुआ कि यहाँ पर हुआ पंक्चर, बीच रास्ते में नहीं हुआ। तो एक दो किलोमीटर बाइक चलाने के बाद पंक्चर रिपेयर की शॉप इधर पे है। पूरी मैं 194 किलोमीटर चला दी है गाड़ी सुबह से पलौड़ा में, और बीच में क्या हो टायर पंक्चर हो गया था बाइक का अल्मोड़ा में, तो उसमें क्या लग गया था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था और ट्यूब भी नहीं मिली हमको। ट्यूब बहुत ढूंढी मैंने करीबन उसमें आधा 45 मिनट हम तो एक घंटा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था उसी में। एंड ऑफ द डे यू नो एटलीस्ट क्या हुआ, अच्छा हुआ कि जहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया था वहाँ पर ख़राब हुई बाइक। तो नेक्स्ट टाइम आई रिमेंबर यू नो देर वॉज नो पंक्चर बट ट्यूब गॉट स्पॉइल्ड। तो क्या हो गया था, फट गई थी ट्यूब अंदर से, वॉल्व की साइड में फट गई थी। अगर कहीं छेद हुआ तो बात अलग थी, वो इजीली रिपेयर हो सकता था। फिर नई ट्यूब मैं ढूंढना पड़ा काफ़ी, पर मिल गया एट लास्ट। बट ऑनली अभी क्या पहुँचने वाले हैं ऑलमोस्ट, और थोड़ा ट्रैफिक है काट गोदाम पहुँच गए अभी। यहाँ से अबाउट 15 मिनट्स के आसपास आएगा, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी है। गरिमा लोग शायद पहुँच गए हैं, तो अभी क्या करता हूँ मैं